नमस्कार, मैं सीमा कौशिक। आज आपको बताने जा रही हूँ टमाटर सॉस हम घर पर कैसे बनाएं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आप आसानी से जल्दी से घर पर बना सकते हैं। आइए मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। इसके लिए हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं, जिसको हमने धो लिए हैं, धो के इसका पानी एकदम निकाल दिया है। इसके बाद में हम सफ़ेद वाला 1 चम्मच नमक लेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, लहसुन की गुलियां, जो आपको अगर नहीं चाहिए तो आप लहसुन नहीं भी डाले हो तो भी चलेगा, और डालते हो तो ज़्यादा अच्छा बनता है। उसके बाद में हमने काला नमक लिया है, जिसको हमने पीस लिया है, जो हम 1 चम्मच सफ़ेद के लिया है तो 1 चम्मच हम काला नमक लेंगे। आप बाज़ार से पिसा हुआ नमक भी मंगवा सकते हैं, काले वाला। उसके बाद में हम 1 चम्मच काली मिर्ची लेंगे, जो हमने पीस के इस तरह पाउडर बना लिया है। इसके बाद में हम थोड़े से कुकर में टमाटर को उबाल लेंगे, इस तरह से डाल के पानी डालेंगे। इसके बाद में हम प्रेशर कुकर खोल लेंगे। ये देखिए उबल गए अच्छे से। इसके बाद में हम इसका पानी निकाल देंगे इस तरह से। पूरा पानी निकल गया है, देखिए। इसके बाद में ठंडा पानी भी डालेंगे ताकि थोड़ा सेट हो जाए। इसके बाद में इनका छिलका हटाना है हमें। ये जो छिलका है वो इस तरह से पूरा हटा देना है हमें। छिलके अलग कर लिए टमाटर के। इसके बाद में हम जूसर वाला जार जो मिक्सी में होता है उसमें ये टमाटर डाल लेंगे। इसके बाद में टमाटर हमने इसमें डाल लिए हैं। उसके बाद में हमने 1 चम्मच जो नमक लिया था सफ़ेद वाला वो डाल लेंगे, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया था वो डाल लेंगे, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया था वो डाल लेंगे, आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची लिया था वो डाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद में हम 1 चम्मच काला नमक डालेंगे इस तरह से, आधा चम्मच हम काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसके बाद में हमने जो लहसुन की गुली ली है इसको हमने छीला नहीं है, क्योंकि हमने पीसने के बाद में हमें वापस छानना है, इसलिए हमने इसका छिलका नहीं हटाया, इसके साथ में ही पीस लेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे। इसके बाद में हम इसको पीसेंगे। हम चेक करेंगे, ये देखिए पेस्ट बन गया। इसके बाद हम चलनी से छानेंगे। अगर आपके पास इस तरह की चलनी नहीं है तो हमने अमेजन में हमारे नीचे लिंक दिया है, तो आप घर बैठे इस तरह से चलनी मंगवा सकते हैं। इस तरह से फिर आपको छानना है अच्छे से। इस तरह से इसका पूरा जूस निकालना है, ऊपर ऊपर का जो है वो नहीं डालना हमें, इस तरह से छान लेना है अच्छे से। ये देखिए थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालना हमें इस तरह से। इस तरह से हमने पूरा छान लिया है इस तरह से। इसके बाद में हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दिया है, और तेल लेंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है तेल हमें। इसके बाद में हम
गर्म होने का इंतजार करेंगे। इसके बाद में हम इतना सा जीरा थोड़ा सा तेल चेक करने के लिए डालेंगे, ज़्यादा जीरा नहीं डालना है। तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ इसके लिए हमें सिर्फ इतना ही डालना है। फिर थोड़ा गैस हल्का कर देंगे और जो हमने ये बनाया है हमारा सॉस उसमें डाल देंगे। हिला देंगे, गैस वापस तेज कर देंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे, फिर इसको थोड़ा हम पकाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें कम से कम इस तरह से ढक्कन लगा के 10 मिनट तक इसे पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए। इसके बाद में हम चेक करेंगे, बीच बीच में चेक करते रहना है क्योंकि कहीं जल नहीं जाए। इस तरह से ये देखिए जाड़ा पड़ गया। इसके बाद में हमने कूटा हुआ एक छोटी कटोरी उड़ लिया है जिसको हमने तोड़ लिया है उसको डालेंगे। अगर आप चीनी खाते हो तो चीनी डाल सकते हो गुड़ की जगह, अगर गुड़ डालोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इस तरह से आपको 10 मिनट वापस पकाना है जब तक एकदम घुल नहीं जाए और ज़्यादा नहीं पड़ जाए तब तक आपको इसको वापस पकाना है। इस तरह से देखिए गुड़ गर्म गर्म में घुल जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा ये। इसको पकाना है अच्छे से कम 10 मिनट और पकाएंगे हम इसको। जब तक ये अच्छी तरह से नहीं पकेगा तब तक इसको हम पकाते रहेंगे। इस तरह से हमें चलाना है ये थोड़ी देर के लिए। इसको हम ढक्कन लगा के भी पकाएंगे ताकि ये बाहर छांटे नहीं आए, इसके अंदर पकता रहे। आज को हम फिर मीडियम कर देंगे, थोड़ी देर कम से कम 10 मिनट और पकाएंगे इसको। चेक करेंगे इस तरह से, हमने थोड़ा खा के टेस्ट भी किया था तो हमको थोड़ा मिर्ची तीखी लगी और ये जड़ापन भी नहीं है, इसमें थोड़ा कलर भी कम आया। इसके लिए हमने एक कटोरी गुड़ और डालना है हमें इस तरह से ताकि इसका कलर भी आए और ये जड़ा भी लगे और मिर्ची जो हमें तीखापन लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। इस तरह से एक कटोरी गुड़ और डाल दिया हमने, छोटे वाली जो इस साइज की थी छोटे वाली। इस तरह से हम जब तक ये जाड़न नहीं पड़ेगा तब तक हमें इसको पकाना है। इस तरह से ये देखिए गुड़ डालने के बाद में कलर आने लग गया और ज़्यादा। ये देखिए गुड़ डालने के बाद में ये अच्छे से कलर आता है, ऊपर से कोई कलर डालने की जरूरत नहीं होती हमें, इसलिए हमने गुड़ डाला है। गुड़ डालने के बाद में ख़राब भी नहीं होता, लंबे समय तक टिकता है। इस तरह से हमें इसको हिलाना है अच्छे से। ये देखिए थोड़ी देर वापस हम इसका ढक्कन लगा देंगे ताकि थोड़ा पके। इसके बाद में देखिए ये जड़ा हो गया है, देखिए इसमें जड़ापन आ गया है। देखिए एकदम पेस्ट इसका अच्छा बन गया है, जैसे बाजार से हम सॉस लाते हैं उस तरह से ये बन गया है। देखिए इसके बाद में हम ठंडा होने के बाद में इसको कांच की बोतल में भरेंगे और भर के फ्रिज में रखेंगे, फिर हमारा ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होएगा। इस तरह से हमें ये देखिए ठंडा होना है, होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। गुड़ एकदम बिल्कुल पिघल जाना चाहिए, गुड़ जब तक रहेगा तब तक आपको इसको पकाना है ताकि ये गुड़ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए कलर भी आ गया गुड़ डालने के बाद में। ये देखिए इस तरह से हमने ठंडा होने के बाद में बोतल में इसमें चम्मच की सहायता से बोतल के अंदर डाल लिया है। बोतल में इसलिए डाला है ताकि ये ख़राब नहीं होगा। अगर बोतल नहीं है तो आप कोई भी कांच का बर्तन में डाल सकते हो और फ्रिज में रख सकते हो। इसके बाद में आप इसका मुंह इस फोल्ड पेपर से इस तरह से बंद ज़रूर कर दीजिए ताकि ये ख़राब नहीं हो। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद में आपको जब भी खाना हो इस तरह से पराठे बना लिए हमने और आप इस तरह से सॉस लीजिए, इस तरह से ले लीजिए। वापस इसको बंद करके ज़रूर रखना है आपको। इस तरह से
हम घर पे टमाटर सॉस बना सकते हैं, और आप भी अपने घर पे इस तरह से बनाइए और हमें जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, और कोई पूछना हो आपको कुछ भी तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।